तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली बन के तैयार है अरबी की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास अरबी लिया है और उसे अच्छे से पहले हम धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी रहती है तो इसे अच्छे से हम धो लेंगे। उसके बाद हम इसे बॉयल करके बनाएंगे। तो धोने के बाद फाइनली हमने इसे कुकर में डाला है और कुकर में डालने के बाद थोड़ी सी हम पानी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को कच्चा भी बना सकते हैं बगैर उबाले ही, लेकिन उबालने के बाद बनाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सब्ज़ी। तो हम इसे 2 सीटी लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च लिया है और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो हमने 2 बड़े साइज का प्याज लिया, 1 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च को इस प्रकार से हमने चॉप कर लिया है। तो अब हम इसे कुकर खोल के ठंडा होने के बाद निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये पक गया है। तो इसे हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, तो इस प्रकार से ठंडा करने के बाद हम इसे छिलके निकाल लेंगे, इसके छिलके को। अब देखिए इस प्रकार से इसके छिलके निकाले जाते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा लसलसा होता है, तो आप थोड़ा बारीकी से इसे छीले, नहीं तो हाथों से फिसल जाता है। और इस प्रकार से आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारा सारे अरबी को हमने इस प्रकार से छील लिया फ्रेंड्स। अरबी को हम लोग गांव में कच्चू भी बोलते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। किसी जगह इसे कंद भी बोलते हैं, हम लोग अपने यहाँ इसे कच्चू बोलते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने इस प्रकार से इसे चॉप कर लिया है। तो फाइनली हमने सारे अरबी को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड्स। उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें तेल डाला थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास और थोड़ी सी जीरा, और इसे जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप किया था। और उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें, जो कि प्याज हमने 2 बड़े साइज का लिया था उसे इस प्रकार से रफली हमने चॉप कर लिया है। और प्याज को फ्रेंड्स हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे कवर करके, ताकि ये जो है अच्छे से हमारा प्याज सॉफ्ट हो सके। तो हम यहाँ पे इसे कवर करके पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे ताकि ये प्याज जो हमारा अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए जल्दी। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड कर रहे हैं। तो नमक आप उसी हिसाब से इसी स्टेज पर ऐड कर ले, जो कि बाद में फिर डालने की आवश्यकता ना हो। हमने नमक इसमें डाल दिया है, तो फिर से हम इसे कवर करके पकाएं। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो है प्याज कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया और कलर भी चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो हम यहाँ पे सारे अरबी को यहाँ पे डाल लेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए, इसका जो चिपचिपापन है वो निकल जाएगा थोड़ा सा तेल में फ्राई होने के बाद। तो इसी स्टेज पे प्याज इतना पकने के बाद इसमें आप यहाँ पे ऐड करें। तो इसे भी हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो अब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तब हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो यहाँ पे ऐड करके इसे हल्का सा भून लेंगे लगभग 2 मिनट तक। और भूनने के बाद ये देखिए इसका भी बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है भूनने के बाद। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। सारी प्रक्रिया हमने फ्रेंड्स लगभग 20 मिनट के आसपास लगा है। तो हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में फ्रेंड्स हमने मीट मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये किचन किंग और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें कोई मसाले, 1-2 मसाले कम ज़्यादा भी हो तो आप
इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो मसाला डालने के बाद फ्लेम को कम कर दें और कम फ्लेम करके लगभग 3 से 4 मिनट मसाले को पका लें ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है। तो ये देखिए फाइनली दोस्तों, ये हमारा अरवी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनके तैयार है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म, इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनता है। और तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।